वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ एक HIV पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया था, जिस दौरान आक्रोशित परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों को ही पीट डाला। पिटाई की सारी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस को तहरीर दे दी है। आपको बता दें कि यह घटना मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की है, जहां एक HIV का मरीज दूसरे अस्पताल से रेफर होकर आया था, जिसकी हालत काफी खराब थी। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पहले डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन नहीं माने, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। परिजनों की करतूत का यह वीडियो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। परिजनों के हंगामे के बाद काफी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आनन फानन में हंगामा करने वाले लोगों को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस नाकाम रही। वहीं कुछ डॉक्टरों को चोट भी आई है, जिनका मेडिकल परीक्षण भी करा लिया गया है। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने आरोपी परिजनों के खिलाफ तहरीर दे दी है, जिसके बाद कानूनी कार्यवाही होना बाकी है। इसके बारे में एक जूनियर डॉक्टर ने यह जानकारी दी। हम लोग पे कुछ तीमारदार घटित का एक पेशेंट आया था, बिल्कुल सीरियस हालत में आया था, बहुत ज्यादा HIV पॉजिटिव था पेशेंट, और उसके बाद उसकी पल्स वल्स कुछ भी नहीं आ रही थी, फीवर था। और पेशेंट को हमने यहाँ पे रखा, मैनेज करा, नोरेट सपोर्ट पे रखा, इतने में बहुत जल्दी जल्दी उसका मैनेज भी करा, उसके ब्लड सैंपल भी पाए, इतने में उसका सब कुछ मैसेज चले रहता, इलाज चले रहता, तभी उसका पेशेंट का एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसका BP बिल्कुल अनरिकॉर्डेबल था, पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फीवर था, और नोरेट सपोर्ट पे हमने उसे स्टार्ट कर दिया था। पर लेकिन जैसे ही वो पेशेंट के साथ वाले फिर आगे एक घंटे में गए कि हम इसको बुला के ला रहे हैं, फिर उनसे बात करने के लिए लाएंगे, और वो आके हमारे सारे जो फीमेल रेसिडेंट्स थी, हमारी मैम थी, हमारी सीरियस, उसे बदतमीजी करने लगे, उसे खूब चिल्ला चिल्ला के बात करने और मारने पीटने की धमकी भी देने लगे। और उसके बीच में हम ही लोग भी खड़े थे, हम लोग भी कहते थे, वही समझा रहे थे, उसके बात कर रहे थे कि ऐसे उनको चीज़ों को समझा रहे थे क्या हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई। पर इतने में उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी, उन्होंने 3-4 लोगों ने घंटा कभी, वो कई सारे थे, 5-6 जगह से ज़्यादा थे, और कुछ भी 3-4 ने आगे आके पकड़ के पीछे धकेल के, और खूब फेस में उन्होंने सीधे सीधे बचाए। उसके बाद भी रोज में काफ़ी अभी पेन है, ब्लीड हुआ काफ़ी ज़्यादा, और ज़्यादा एक्टिव ब्लीडिंग थी काफ़ी ज़्यादा थी, और वो जो ब्लीडिंग हुई उससे जैसे कुछ देर के लिए मैं अनकॉन्शियस सा भी हो गया, और सर में भी काफ़ी चोट आई है। तो फिर इस टाइम पे अभी मैं फिर सब लोग ट्रीट कर पाते हैं, वो लोग यहाँ से भाग गए, 6-7 से 5-8-10 लोग थे प्रॉब्लम, मेरे को तो सबसे ज़्यादा जगह, और सातवीं जो फीमेल रेसिडेंट थी उनके साथ भी बदतमीजी करी और गाली गलौज से ज़्यादा, और मेरे एक और रेसिडेंट है उसको भी हाथ पाइप मारा। पेशेंट IMT से रेफर होकर यहाँ पे आया था, और पेशेंट उसी टाइम बहुत सीरियस कंडीशन में आया था। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर, देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।